मेरे नौजवान भाइयों और मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आप लोग पिंडाल के अंदर आ जाइए। आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस दीनी महफिल के अंदर आ जाइए। मैं इतना बड़ा तजुर्बेकार नहीं और ना इतना बड़ा मुकर्रर हूं कि आप लोगों के सामने घंटों घंटों बयान कर सकूं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आपके कीमती वक्त में से सिर्फ मुझे 15 मिनट दे दीजिए। आप लोगों से सिर्फ 15 मिनट चाहता हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अंदर आ जाइए। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت صدق الله العظيم محترم سامعين اور استیج پر جلوہ افروز علماء اکرام आज मैं आप लोगों के रूबरू हुआ हूं कि आप लोगों के सामने कुछ लपकुशाई कर सकूं। हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे नौजवान भाई जिस चीज को भुला चुके हैं मैं आप लोगों को उस चीज को याद दहानी कराने के लिए आज यहां पर खड़ा हुआ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे सही कहने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामेईन, अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी कुदरत से पैदा फरमा कर और कुछ मोहलत देकर इस दुनिया के अंदर भेजा है। ये दुनिया इंसान के लिए आराम गाह नहीं, ये दुनिया इंसान के लिए सैरो तफरी गाह नहीं, ये दुनिया इंसान के लिए चरा गाह नहीं कि इंसान खा पी कर खेल कूद करके मौज मस्ती करके अपनी जिंदगी गुजार दे। मोहतरम हजरात, अभी 2021 का साल खत्म हुआ, हमारी जिंदगी और हमारी उम्र का एक साल और कम हो गया। वो 365 दिन जो हमारी जिंदगी के एक साल के अंदर गुजर गए अब वो दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। हमारी जिंदगी के वो 3,10,04,000 सेकंड जो एक साल में गुजर गए अब वो दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। अपने बर्थडे पर रंग रलियां मनाने वालों, अपने बर्थडे पर खुशियां मनाने वालों, ये दिन खुशी मनाने का नहीं बल्कि गम और मातम मनाने का दिन है। मोहतरम हजरात, इंसान की जिंदगी हवा में रखे हुए चिराग की तरह है कि एक ही झोंके में वो बुझ जाता है और जैसे आंखों का आंसू पलक झपकते ही मिट्टी में मिल जाता है और जैसे पानी का बुलबुला एक ही पल में खत्म हो जाता है, ऐसे ही इंसान की जिंदगी एक ही पल में इस दुनिया से अगली दुनिया की तरफ रुखसत हो जाता है। जरा सोचो तो सही कि लफ्ज मौत कितना भयानक लफ्ज है। मौत से हर जानदार भागता है, मौत से हर कोई डरता है, मौत की आवाज को कोई भी सुनना नहीं चाहता, मौत के तलब फूट को कोई भी पीना नहीं चाहता, मौत को कोई भी अपने करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसके बावजूद मौत हर एक के पास जाती है, मौत किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो नबी हो या वली, चाहे वो आलिम हो या जाहिल, चाहे वो बादशाह हो या फकीर, चाहे वो महलों में जिंदगी गुजारने वाला हो या झोपड़ियों में, चाहे वो मर्द हो या औरत, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, मौत के ग्रिफ से कोई भी आजाद नहीं। मौत का हुक्म सब पर बराबर चलता है। आज हमारे बच्चे, नौजवान, यहाँ तक के हमारे बूढ़े भी मौत से गाफिल हैं। हम लोगों ने मौत को भुला दिया है। हमें लगता है कि हमें कभी मौत नहीं आएगी और इस दुनिया की रंग रलियों में इस तरह खो चुके हैं। आज खास तौर पर मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मेरे नौजवान भाई, अल्लाह ताला को ये उम्र सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, बूढ़े कमजोर और ज़ईफ़ होते हैं। इन दोनों के अंदर इबादत करने की इतनी सलाहियत मौजूद नहीं होती जितना कि एक नौजवान के अंदर होती है, क्योंकि आपके पास ताकत है, आपके पास हौसला है, आपके पास
मजबूती है। आपका जो मन करता है आप कर सकते हो, आपका जहां मन करता है आप जा सकते हो, आपका जो मन करता है आप वो खा सकते हो, उसे हजम कर सकते हो। इन सब चीजों के बावजूद बंदा ताकतवर है, फिर भी अल्लाह ताला के सामने सजदे करता है। बंदा मजबूत है, फिर भी अल्लाह ताला के सामने गिर गिराता है। बंदा हौसला मंद है, फिर भी अल्लाह ताला से मदद तलब करता है। तो अल्लाह ताला को ये अदा सबसे ज्यादा पसंद है और सबसे ज्यादा महबूब है। आज हमारे नौजवान भाई मौत से गाफिल, इबादत से दूर है, नमाज से दूर है। उन्हें लगता है कि दुनिया ही सब कुछ है, उन्हें कभी मौत नहीं आएगी। आज हमारे नौजवानों का आइडियल फिल्म स्टार है। कोई अपना हीरो सलमान को मानता है, कोई अपना हीरो शाहरुख को मानता है, कोई अपना हीरो टाइगर श्रॉफ को मानता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा और आपका एक ही आइडियल है, एक ही रहनुमा है, और वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ताला का महबूब है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने दोनों जहान को पैदा किया, जिसके तरीके पर अल्लाह ताला ने दोनों जहान की कामयाबी रखी है। आज अगर सलमान कोई फैशन लेकर आता है तो हमारे नौजवान उसको अपना लेने की कोशिश करते हैं। आज अगर शाहरुख कोई फैशन लेकर आता है तो हमारे नौजवान उसको अपनाते हैं। आज अगर टाइगर श्रॉफ कोई फैशन लेकर आता है तो हमारे नौजवान उसको अपनाते हैं। लेकिन आज हमारे नौजवान हमारे नबी की सुन्नत को नाली में बहा कर आता है। आज हमारे नौजवान हमारे नबी की सुन्नत को अपने पैरों तले रौंदते हैं, लेकिन उन्हें एहसास तक नहीं होता। मेरे दोस्तों, आप लोगों का हीरो आप लोगों के माँ बाप होने चाहिए कि जब आप बचपने में थे तो आपकी जरूरत का ख्याल आपके माँ बाप ने रखा था। जब आप बिस्तर पर पेशाब करते थे तो माँ उस गीले पर सोबर आपको सूखे में सुलाती थी। जब आपको पैसों की जरूरत पड़ती थी तो आपके अब्बू ने आपको कमा कर दिया था। जब आप बीमार पड़ते थे तो आपके अब्बू आपको अस्पताल लेकर जाते थे। आज हमारे नौजवान इस बुजदिली के अंदर जी रहे हैं, गफलत के अंदर जी रहे हैं। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं कि जिस कौम के नौजवान के अंदर से अपने दीन का एहसास खत्म हो जाए तो उस कौम का मुस्तकबिल तारीख और अंधेरा है। आज हम पर तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। आज हमारे नौजवान के ऊपर तरह तरह के जुल्म तशद्दुद हो रहे हैं, लेकिन वो उसको चुपचाप सहता है, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं और हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं कि हम उसके खिलाफ आवाज उठा सके। आज हमें लगता है कि जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, और जिसके पास पावर है वही इस दुनिया का बादशाह है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा बादशाह, सबसे बड़ा पावर वाला अल्लाह हमारे साथ है। अगर अल्लाह चाहेगा तो इज्जत देगा, अगर अल्लाह चाहेगा तो जिल्लत देगा, अगर अल्लाह चाहेगा तो ही मौत आएगी। किसी के पास इतनी ताकत नहीं कि वो आपको मौत दे सके। आज हमारे अंदर मायूसी और नाउम्मीदी पैदा हो गई है। जानते हो मायूसी गुनाह क्यों है? क्योंकि तुम्हें इस बात का यकीन ही नहीं कि तुम्हारा खुदा हर चीज पर कुदरत रखता है। तुम्हें इस बात का यकीन ही नहीं कि तुम्हारा अल्लाह कादिर है, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मायूसी गुनाह इसलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारा दिल लोगों के हाथों टूट गया वो कोई जोड़ नहीं सकता, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है मुझे टूटे हुए दिलों से मोहब्बत है। मायूसी गुनाह इसलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आजमाइश कभी खत्म नहीं होगी, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो मायूसी क्यों? मायूसी को अपने करीब आने मत दो। हालात जैसे भी हो डटे रहो, अपने आप को मजबूत रखो और हालात को बताओ, मुश्किल को बताओ कि मेरा अल्लाह बड़ा है और मेरा अल्लाह मेरे साथ है। वैसे मेरे दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे बाद मेरे और भी बहुत सारे
अकाबिर उलमा इकराम मौजूद हैं, उनसे आप लोग बहुत कीमती कीमती नसीहतें सुनेंगे। तो मैं बस इतना ही कह के आप लोगों के सामने से रुख्सत लेना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इस बुजदिली की जिंदगी से हिफाजत फरमाए और मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।